एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कॉलेज भीलवाड़ा के लिए लेक्चर 28 है, बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए। पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेक्चर 28 आज अपन कर रहे हैं। लेक्चर 27 में आपने देखा था कि किस तरीके से डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और चिरसम्मत यांत्रिकी के तरंग सिद्धांत की इक्वेशंस और कुछ मैथमेटिक्स करने के पश्चात, जिसमें हमने E=mc² को भी काम में लिया, E=hν को भी काम में लिया, और हमारे पास तरंग का वेग, डी ब्रॉगली तरंग का वेग जो आया उसका फॉर्मूला दिया। इसको हमने एलोबरेट किया था लेक्चर नंबर 27 में। इस फॉर्मूले में जो पहले से स्थापित नियम और सिद्धांत है उन्हीं का उपयोग किया गया है। यहाँ यू तरंग का वेग है, यू तरंग का वेग या वेव वेलोसिटी है, वी कण का वेग है, पार्टिकल वेलोसिटी है, सी प्रकाश का वेग है। इसमें जो इस फॉर्मूले में बेसिकली जो प्रॉब्लम आई वो हमने बताई थी कि यदि वी इज लेस देन सी, ऐसा ही होगा क्योंकि अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी कण तरंग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, तो v इज ऑलवेज लेस देन सी। ऐसी स्थिति में u ऑलवेज ग्रेटर देन c होगा, तब u ऑलवेज ग्रेटर देन c। यह एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई कंसेप्चुअली के डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से। कण का वेग तो c से कम है, लेकिन कण के साथ संलग्न तरंग का वेग c से ज्यादा है। तो यह जो कठिनाई है, यह कठिनाई काफी समय तक रही। यह परिणाम आप असंभावित परिणाम प्राप्त हुआ, यह क्या है, असंभावित परिणाम हमको मिला जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे थे, परिणाम प्राप्त हुआ। और कई वर्षों तक यह समस्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रही कि इस चीज को कैसे हम हटाएं, इस कंसेप्ट को कैसे हम सही करें, क्योंकि इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे ज्ञात होता है कि कण व तरंग दोनों का एक स्थान पर होना संभव नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कई समय तक रही, और इसी समस्या के निवारण के लिए एक नया कंसेप्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई। एक नया कंसेप्ट दिया गया, और यह अवधारणा श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने दी। तथा यह अवधारणा तरंग संघ की थी, वेव पैकेट, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेव पैकेट। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ वेव पैकेट। इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने एक नई अवधारणा, नया कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट क्या था, वेव पैकेट का था या तरंग संघ का था। यहां पर श्रोडिंगर ने यह माना कि किसी गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहकर उसके साथ
एक समूह संलग्न रहता है। एक ये जो प्रॉब्लम आई थी उसको हटाने के लिए श्रोडिंगर ने क्या माना, यहां यह माना गया कि किसी गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न न रहकर, ध्यान रखिए न रहकर, एक तरंगों का समूह संलग्न रहता है जिसे तरंग संग कहते हैं, वेव पैकेट, विच इज कॉल्ड वेव पैकेट। ए पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए ग्रुप ऑफ वेव एंड दिस ग्रुप ऑफ वेव इज नोन एज वेव पैकेट। इस वेव पैकेट के बारे में और भी बातें बताई गई, ऐसा नहीं केवल ये कहकर छोड़ दिया है ये तरंग संग या वेव पैकेट का निर्माण कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये किस तरीके से अगर समूह है तो इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, इसका रिजल्टेंट परिणामी तरंग कैसे होगी और वो किस नियम का पालन करेगा, ये सब चीजें इस तरंग संघ के कंसेप्ट के साथ में माना गया। यह माना गया कि कई तरंगें मिलकर एक तरंग संघ का निर्माण करती हैं। यह माना गया कि कई तरंगें मिलकर एक तरंग संघ का निर्माण करते हैं। तथा ये इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं, तथा अब कंडीशंस क्या डाली, ये तरंगें तथा ये तरंगें इस प्रकार से अध्यारोपित, सुपरपोजिशन इस प्रकार से होता है, अध्यारोपित होती हैं, इस प्रकार से अध्यारोपित हैं होती हैं कि इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं कि इनका संपोषी व्यतीक, इनका संपोषी अध्यारोपण, संपोषी अध्यारोपण उस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर कण के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी अधिक होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि तरंग संघ का निर्माण या तरंग संघ के लिए कंडीशन क्या है, कि यह कई तरंगों के अध्यारोपण से निर्मित होता है, लेकिन इसके निर्मित होने का क्या तरीका है, कैसे, कि जहां पर कण के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी अधिक होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, तथा जहां पर कण के पाए जाने की संभावना न्यूनतम होगी वहां विनाशी व्यतिकरण होगा, तथा जहां कण के पाए जाने की संभावना न्यूनतम है, मिनिमम न्यूनतम है, वहां अध्यारोपण विनाशी हो। क्या मतलब है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देयर विल बी ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड देयर विल बी ए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मिनिमम। इसका चित्रण किस प्रकार से किया गया, इस प्रकार से इसका चित्रण किया गया, ये इसकी विड्थ कहलाएगी डेल्टा एक्स, कि तरंग संघ यानी तरंग संघ कई तरंगों का सुपरपोजिशन है
और उस सुपरपोजिशन के पास पश्चात जो परिणामी तरंग बन रही है उसका चित्रण कुछ इस प्रकार से होगा कि जहां कण के पाए जाने की संभावना अधिक रहेगी वहां पर इसका वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड अधिक रहेगा, और जहां कण के पाए जाने की संभावना कम है वहां पर इस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी, और इस जगह पर आपके पास हो जाएगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि तरंग संघ, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, तरंग संघ से आप क्या समझते हैं, तरंग संघ की अवधारणा बताइए, गिव द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, तरंग संघ का निर्माण बताइए, तरंग संघ क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सीखना है। लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 28 से आपको टोटल आपको वेव पैकेट कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। अब ये जो हमने वर्ड्स में बोला इसी को हम मैथमेटिक्स से डराइव करेंगे, और मैथमेटिक्स से हम पता करेंगे कि ये जो हमने जो बोला कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और मैनी वेव्स का सुपरपोजिशन, इन सबको मिलाकर हम एक मैथमेटिक्स करेंगे, और मैथमेटिक्स से हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे, फेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो बड़ा क्वेश्चन आता है और लंबी मैथमेटिक्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको ऑप्टिक्स में जो आप सुपरपोजिशन या अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ते हैं उसका ध्यान होना जरूरी है, और मैथमेटिक्स हम करेंगे, और उस मैथमेटिक्स से हमको कुछ फॉर्मूलेज डेराइव करने, वो फॉर्मूलेज आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आता है और ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है। तो इस चीज़ को हम लेक्चर नंबर 29 में डेराइव करना चालू करेंगे, क्योंकि लेंदी है।